हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एनटीपीसी सीपीटी 1 रिवाइज्ड रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी सीपीटी 1 का रिजल्ट आपका आएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और साथ ही साथ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कट ऑफ कितना जाने वाला है और कितने लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि कट ऑफ इस बार बहुत कम जाने वाला है, करीब करीब 55 नंबर आपके आने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, 55 नंबर आपके आने चाहिए। जो भी कैंडिडेट का 55 प्लस है मार्क्स, वो अपने एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब समय बिल्कुल कम है, आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना होगा। और जब कट ऑफ 55 प्लस है तो कितने लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, तो इस बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों का सिलेक्शन होगा। करीब करीब 7.5 लाख लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इतने लोगों का एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 में। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो ये एग्ज़ाम मई में होने की पॉसिबिलिटी है। और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम का स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट था, साथ ही साथ मैं आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का सिलेबस अपलोड करने वाली हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर मैं सिलेबस अपलोड करूँगी और स्ट्रेटजी बताऊँगी कि आप कैसे प्रिपरेशन कीजिए कि आपका मार्क्स एनटीपीसी सीबीटी 2 और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी का जो भी कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। एग्ज़ाम तो लोग बहुत सारे देते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करे और कौन सा टॉपिक को हिट करे कि वहाँ से ज़्यादा बन कर आए, और कौन से टॉपिक को कवर करके जाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही सारे वीडियो में मैं बताऊँगी जो 1 से 2 दिन में आने वाला है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।